धार में सहकारिता के 3.5 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक नवीन भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राज वर्फा, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर, सरदारपुर विधायक वेल सिंह भूरिया, CCB धार के अध्यक्ष राजीव यादव भी शामिल रहे, जिसके बाद कृषक सम्मेलन का आयोजन धार के मिलन महल में किया गया, जिसमें जिले भर के करीब 10,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। वहीं मंच पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राज बर्फा, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर, सरदारपुर विधायक वेल सिंह भूरिया, CCB के अध्यक्ष राजीव यादव और CCB के डायरेक्टर मौजूद रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा की सरकार के बैनर तले सहकारी आंदोलन ने एक मुकाम हासिल किया है। पहले सहकारिता आंदोलन ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की ज्यादा चिंता पाली। उन्होंने CCB अध्यक्ष राजीव यादव की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में इससे बढ़िया अध्यक्ष और इससे बढ़िया भवन नहीं बना है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया, समर्थन मूल्य की खरीदी से किसानों को लाभ पहुंचाया, किसान हितैषी कई योजनाएं बनाई जिनका लाभ आज किसानों को मिला है। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल रहे। ये लोकार्पण भवन जो है, हमने जन सेतु के नाम से धार को एक नई सौगात दी। इसमें बहुआयामी प्रकार के उद्देश्य समाहित किए, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, अच्छा भव्य मंदिर हो, एक 60+ के लिए गार्डन की व्यवस्था हो, उनके लिए वाचनालय की व्यवस्था हो, इस प्रकार के जन सर्व सुविधा युक्त भवन के रूप में धार को एक नई सौगात देने का प्रयास किया है। भवन की लागत करीब 26,000 स्क्वायर फीट में भवन का निर्माण हुआ है और 3.5 करोड़ रुपए में संपूर्ण भवन विथ फर्नीचर समेत इसको बना है। इसके निमित्त हमने सहकारिता एवं कृषि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे जिले भर से हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। उनको यही संदेश देना चाहते थे कि इसके पहले भी बैंक की क्या स्थिति थी, मैं आया था उसके पूर्व में 400 करोड़ का टर्नओवर था, 3 वर्षों में 90 साल में 400 करोड़ का टर्नओवर था, 3 वर्षों में हमने उसको बढ़ा के 1200 करोड़ का टर्नओवर किया। शिवराज सिंह जी चौहान की जो विकासशील रणनीति है, उसी को एक मॉडल के रूप में हमने बैंक में भी कहीं ना कहीं निर्मित किया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।